हेलो एवरीवन, इट्स मी कुमार सोनल। और आपने थंबनेल में बिल्कुल ही सही देखा कि अगर बिजली बिल सच में बचाना है तो नाइट बल्ब्स का यूज मत कीजिए। हाँ, आपको पता है कि जो नाइट बल्ब्स है ना, वो आजकल के नए वाले एक आ रहे हैं एलईडी वाले, उनकी बात नहीं कर रहा। जो पहले वाले जो आते थे, जो मार्केट में 10 या 15 रुपए का मिलता है, वो एक्चुअली में 15 वॉट्स का है। इसको बोला जाता है 0 वॉट, क्योंकि जब ये अभी वाला जो मीटर है ना, ये डिजिटल मीटर है। इससे पहले वाला जो मीटर रहता था, जिसमें बहुत कुछ करते भी थे ताकि वो बिजली का बिल जो है वो उतना ना उठे, है ना। कितने लोग फिक्स करके रख देते थे, उसमें एक चीज़ होता था जिसको अटका के रख देते थे लोग, और वो मीटर उठता ही नहीं था। एक्चुअली उसमें क्या होता था ना, एक व्हील रहता था वो पुराने वाले बिजली के मीटर में, ठीक है, जिसमें मतलब आपका मीटर उठता है ना, जिसको रीडिंग लेके इलेक्ट्रिशियन जाता है, इलेक्ट्रिशियन या क्या बोलते हैं उसको, जो बिजली विभाग का जो वर्कर होता है वो देख के जाता है रीडिंग लेके, और इसके बाद बिल आता है आपका, ठीक है, वो मीटर देख के। तो वो पहले वाला जो मीटर हुआ करता था ना, उसमें एक कॉयल जैसा रहता था, एक्चुअली चक्का जैसा आप समझ लो, वो चक्का घूमता था। तो वो 15 वाट में घूमता ही नहीं था एक्चुअली, इतना कम में, ठीक है, इससे उसको ज्यादा चाहिए होता था, तब जाके वो धीरे धीरे घूमता था और इधर आपका जो रीडिंग है वो उठता था। इसलिए पहले 100 वॉट के जो बल्ब हम लोग यूज करते थे, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। आप अगर आप अच्छे से ध्यान देना तो आपको पता लगेगा कि पहले 100 वॉट के ही हम लोग बल्ब यूज करते थे, और उसमें भी कुछ खास बिल नहीं आता था, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था। और उस वक्त ना, उस वाले नाइट बल्ब को जीरो पावर का कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसको लगाने से ना, वो जो चक्का है वो घूमता नहीं था, तो आपका बिल ना के बराबर उठता था, या फिर ऐसा बोल लो कि उठता ही नहीं था। लेकिन अभी डिजिटल मीटर लगने के बाद वो 15 वॉट ही टांगता है, तो इससे तो अच्छा है कि आप वो जो छोटा वाला एलईडी बल्ब आता है वो आप लगा लो, जो 5 वॉट का आता है, उससे ज़्यादा रोशनी देगा। और एक्चुअल में अगर आपको नाइट बल्ब चाहिए तो अभी के जो एलईडी बल्ब्स है ना, वो आप यूज़ करो, वो सच में 0.5 वॉट खींचते हैं बिजली, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा सच में ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, क्योंकि देखिए, आप लोग जब जाते हो नाइट बल्ब खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार से बोलते हो भैया नाइट बल्ब देना। अब वो जब कहता है 10 रुपए, आप फट से लेके आ जाते हो, आप देखते भी नहीं उस पर कि उस पर लिखा हुआ है 15 वॉट। हाँ, और अगर वो बोलता है कि ये लीजिए, ये 40 रुपीज़ का है, ये एलईडी वाला है, तो आप बोलते हो अरे हटो यार, एक नाइट बल्ब के लिए कौन 40 रुपीज़ खर्च करेगा, है ना। बट जो सही दुकानदार होते हैं ना, वो दोनों में बताते हैं, लेकिन ऐसे तो बताते हुए मैंने बहुत कम को सुना कि जो एक्चुअली में बताते हैं कि ये 15 वॉट्स टनता है और ये 0.5। बट उसमें अगर आप देखोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ रहता है। आप देखना, वो जो एलईडी वाला नाइट बल्ब है ना, उस पर वो क्या है कि एक अलग से पैकेट में नहीं आता, है ना, वो इस तरीके से पूरा लगा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे उसका एक पूरा पैक जैसा आता है, ठीक है, उस पर एक 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 बल्ब लगा हुआ रहता है। तो वो जैसे ही उससे काट के आपको एक बल्ब देगा ना, वो एलईडी वाला, तो आप उसमें देखना, उसमें पीछे साफ साफ लिखा हुआ रहता है 0.5 वॉट। और बहुत सारे आजकल वो एलईडी वाले नाइट बल्ब वो पैकेट में भी आने लग गए हैं, तो उस पर भी लिखा रहता है 0.5 वॉट। ठीक ऐसा ही है जैसे अभी हम लोग जब जाते हैं, वो जनरली लोग 9 वॉट का एलईडी बल्ब खरीदते हैं आज के टाइम पे, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए यूज होता है। तो ये हमें कंपनी वाइज वैरी करता है इसका प्राइस, जैसे कभी कभी ये 80 रुपीज़ का मिलता है, कभी 100 का, कभी 120 का ऐसा। लेकिन 100 वाट का जो बल्ब है, ये आपको आज के टाइम पे भी 12 रुपए का मिल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपीज़ का, बस इससे ज़्यादा नहीं। और 200 वाट्स का मिल जाएगा, उसका तो 20 रुपीज़ का या 25 रुपीज़ का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मुझे इतनी जानकारी देनी थी आपको, और मुझे लगता है कि अब आपको पता लग गया होगा, हाँ, कि अगली बार जब आप मार्केट जाओगे तो आपको कौन सा नाइट बल्ब खरीदना चाहिए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग टॉस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।